हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस टेक न्यूज के दूसरे एपिसोड में। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत की जाए। तो दोस्तों, जो पहला अपडेट है वो आता है वीवो की तरफ से और वीवो ने फाइनली अपने नेक्स्ट सीरीज के डिवाइसेस को लॉन्च कर दिया है। और ये जो नेक्स्ट सीरीज के डिवाइसेस है वो पहले ऐसे स्मार्टफोन्स है जो कि ट्रू फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आते हैं और साथ ही साथ आपको एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। जो वीवो ने दो डिवाइसेस लॉन्च किए हैं उनके अलग अलग नाम है, एक है वीवो का नेक्स्ट एस और दूसरा है वीवो का नेक्स्ट ए। तो दोस्तों, जो वीवो का नेक्स्ट एस है उसके अंदर आपको 8 GB की रैम मिलेगी, स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलेगा और 128 या 256 GB की स्टोरेज ऑप्शन मिलेगी। और जो दूसरा वेरिएंट है नेक्स्ट ए, उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर मिलेगा, 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज मिलेगी। तो दोस्तों, जो दूसरा अपडेट है वो आता है नोकिया की तरफ से और नोकिया का जो X6 है उसका ग्लोबल वेरिएंट फाइनली लॉन्च हो सकता है। ताइवान की एक वेबसाइट में TA1103 नाम का एक मॉडल नंबर नजर आया है जो कि नोकिया X6 का ग्लोबल वेरिएंट हो सकता है। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल की तरफ से और माना यह जा रहा है कि 2019 में जो एप्पल के स्मार्टफोन्स आएंगे उनके अंदर लाइटनिंग पोर्ट की बजाय USB टाइप सी पोर्ट होगा। एप्पल के जो मैकबुक्स है उनमें ऑलरेडी आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन अब तक जो आईफोन्स देखने को मिले हैं उनमें सिर्फ आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने में आया है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगले साल जो आईफोन्स लॉन्च होंगे उनमें आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलेगा लाइटनिंग पोर्ट की जगह पे। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट आता है वो आता है इंडियन रेलवे की तरफ से। जो IRCTC है उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेन्यू ऑन रेल्स। ये ऐप आपको उन सभी खाने की चीजों की प्राइस लिस्ट करके देगा जो कि आपको इंडियन केटरिंग इंडियन रेलवे की केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ताकि आप कोई भी चीज खरीदने जाए तो आपको उनके स्टैंडर्ड रेट्स के बारे में पहले से ही पता हो। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है LG की तरफ से। LG का जो G7 ThinQ डिवाइस है वो एक पहला ऐसा नॉन पिक्सल डिवाइस है जिसको गूगल के AR शिकर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है। पहले भी ऐसा सुनने में आया था कि जो गूगल है वो अपने AR शिकर्स को काफी सारे नॉन पिक्सल डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू पुश करने वाला है। तो LG का जो G7 है वो एक पहला ऐसा डिवाइस बनता है जो कि इन AR शिकर्स का मजा उठाएगा। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है जियो की तरफ से और जियो आपके लिए लेके आया है एक और डबल धमाका ऑफर। तो दोस्तों, जो पुराने रिचार्जेस है उसके हिसाब से अगर आप 149 का रिचार्ज करते हो तो आपको 28 डेज तक 1.5 GB पर डे का डेटा मिलता था और 399 के रिचार्ज पे 1.5 GB पर डे 84 डेज के लिए मिलता था। लेकिन इस डबल धमाका ऑफर के तहत यदि आप 120 का रिचार्ज करते हो तो आपको 1.5 की जगह पे 3 GB पर डे का डेटा मिलेगा 28 डेज के लिए, और 299 रुपीज के रिचार्ज पे आपको 3 GB का डेटा मिलेगा 84 डेज के लिए। तो जाइए दोस्तों इस जियो के डबल धमाका ऑफर का मजा उठाइए, लेकिन ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 30 जून तक, तो जल्दी से जाकर जियो का रिचार्ज कराइए। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल की तरफ से और गूगल का जो पिक्सल लॉन्चर है उसमें एक नया अपडेट आने वाला है जिससे आप स्विच कर सकते हैं लाइट और डार्क मोड के बीच में। दोस्तों, जो करंट पिक्सल लॉन्चर है उसके अंदर ये स्विच ऑटोमेटिकली होता है आपके वॉलपेपर के हिसाब से। अगर आपका वॉलपेपर है उसके अंदर लाइट और न्यूट्रल पिक्सल ज्यादा है तो गूगल पिक्सल लॉन्चर जो है वो ऑटोमेटिकली लाइट मोड में चले जाएगा, और अगर आपके वॉलपेपर में डार्क पिक्सल ज्यादा है तो वो डार्क मोड में ऑटोमेटिकली स्विच होता था। लेकिन अब ये कंट्रोल्स आपके हाथों में है, आप जब चाहे तब लाइट और डार्क मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है टेस्ला की तरफ से और खबर ये आ रही है कि टेस्ला अभी 3600 जॉब्स कम करने वाला है अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं अगर टेस्ला जैसी कंपनी को जॉब्स कम करने की नौबत आ गई है तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल ट्रांसलेट ऐप की तरफ से। अगर आपको पता नहीं है तो गूगल ट्रांसलेट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के बीच में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इस ऐप को यूज करने के लिए आपको पहले इंटरनेट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ये एप्लीकेशन पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाली है और गूगल इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स की मदद लेने वाला है, जिसके थ्रू आप इस ऐप को अभी ऑफलाइन मोड में भी यूज कर सकते हैं।
और माना ये जा रहा है कि इनिशियल फेज में गूगल ट्रांसलेट टोटल 59 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा, जिसके अंदर हिंदी भी इंक्लूडेड है। तो एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आ रहा है गूगल ट्रांसलेट की तरफ से। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है BSNL की तरफ से, और ये ऑफर है 4 GB पर डे डेटा का। ये खास फीफा वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए लाया गया है। अगर आप 149 का रिचार्ज करते हैं तो आपको 4 GB पर डे का डेटा मिलेगा, और ये ऑफर वैलिड रहेगा 14 जून से 15 जुलाई तक। तो दोस्तों, यदि आप BSNL ग्राहक है तो जरूर से रिचार्ज कराइए और फीफा वर्ल्ड कप के मजे उठाइए। तो दोस्तों, बस आज के लिए यही थे सारे अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए KS TV।